हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आ चुके आप सभी के कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का 101% रियल क्वेश्चन पेपर आ गया। आप बोलेंगे ये फेक पेपर है, तो आपको बता दूं ये जो फेक पेपर होता है उसे कंप्यूटर से जाके प्रिंट करा के ले आया जाता है और उसे आप सभी को फेक ओरिजिनल पेपर बता दिया जाता है और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं आज आपके लिए फेक पेपर जो सबको लाते हैं, मैं उस तरह नहीं हूँ। मैं आप सभी के लिए 101% रियल क्वेश्चन पेपर लिखा। आप देख सकते हो बच्चों, आपके जो क्वेश्चन पेपर अभी तक आ रहे होंगे केवल एक पेज में आता है, एक पेज में पूरा ये प्रिंट रहता है बच्चों, ठीक है ना। और ये चार पेजों के बराबर इक्वल रहता है, ठीक बच्चों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको फेक पेपर लग रहा है तो आप वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं, और जिसको भरोसा है और ट्रस्ट है कि वह ओरिजिनल है, तो वही बच्चा है जो है इस वीडियो को अंत तक देखेगा और वही बच्चा कल के एग्जाम में 70 में 70, जी बच्चों कल के एग्जाम में 70 में 70 वही बच्चा लेके आने वाला है। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को यदि आप पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जीव विज्ञान के अलावा आने वाली सभी विषयों का इसी प्रकार से ओरिजिनल पेपर समय से पहले, मतलब पेपर से पहले आप सभी को मिल सके, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा और सभी क्वेश्चंस का आप देख सकते हो मैंने सोल्यूशन भी रख लिया है और आपको पूरा सोल्यूशन भी कराते चलूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है पूछा गया पराग नली का कार्य है, तो यहाँ पर पूछा गया परागकण में सहायता, वर्तिकाग्र की सुरक्षा, नर युग्मक वाहक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, नर युग्मक वाहक हो जाएगा। और बच्चों बता दूं आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कल पेपर देख के आइएगा तो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आप पेंसिल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह पेपर मुझे शायद वापस भी करना पड़ सकता है इसीलिए। नेक्स्ट बच्चों, निभाग पाया जाता है, तो बताना है कि निभाग कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है भ्रूण कोष में, बीजांड में, पराग नली में या उपरोक्त सभी में। तो आप बताओ इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बीजांड में पाया जाता है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट है सूरजमुखी में पाया जाता है, तो आप बताओ सूरजमुखी में क्या पाया जाता है, स्वपरागरण, पर परागरण, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही उत्तर लगाओ बच्चों, उपरोक्त सभी, मतलब इसमें स्वपरागरण और पर परागरण दोनों पाया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, द्विनिषेचन प्रक्रिया में की खोज किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिए नवसिचन, ल्यूवेन हॉक, स्टॉक वर्गर और हॉप मिस्टर। तो आप बताओ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर आई सही उत्तर हो जाएगा, नवसिचन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते बच्चे, विकासशील पराकरणों को पोषण देता है। ऑप्शन है बाह त्वचा से, मध्य चर्म से, टेपीटम से या फिलामेंट से। तो आप जो इसका सही उत्तर लगाओगे बच्चों, आपका जो इसका सही उत्तर होने वाला है आप भी कमेंट करके बताते चलेंगे, इसका सही उत्तर होगा बच्चों टेपीटम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, गैस्टुला की गुहा कहलाती है, तो आप बताना कि गैस्टुला की गुहा क्या कहलाती है। जिसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर ब्लास्टोसीन, दूसरा है सिलोम, थर्ड है आर्कोस्टोरम, चौथा है हीमोसील, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, आपका आर्कटेरन हो जाएगा, कितना आर्कटेरन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूर्णी झिल्लियाँ उपलब्ध कराती हैं, तो भूर्णी झिल्लियाँ कहाँ उपलब्ध कराती हैं, भूर्ण की रक्षा में, भूर्ण का पोषण में, भूर्ण की रक्षा और पोषण में, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जो उत्तर लगाओ बच्चों, भूर्ण की रक्षा एवं और पोषण में, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं बच्चे प्रश्न क्रमांक 2 पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहले मैं आपको पूरा रिक्त स्थान बता दूंगा, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान के आंसर हैं, आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले बच्चों, अंडोसर्ग बिंदी बिंदी नामक हार्मोन प्रेरित होता है, तो कहाँ से प्रेरित होता है, तो आप बताओगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कहाँ से बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। चलिए आप लिख लीजिए इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, शुक्र नलिका को काटकर बंद करना बिंदी बिंदी कहलाता है, तो आप बताओगे शुक्र नलिका को काटकर क्या कहलाता है, तो बंध्यकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, बंध्यकरण कहलाता है। चलिए पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद आपको कॉपी भी दे दूंगा, ऐसा पूरा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एमनियोसेंटोसिस में लिंग निर्धारण बिंदी बिंदी गुणसूत्र के निरीक्षण से होता है, तो आप बताओ किसके होता है बच्चों, तो आप इसका सही उत्तर लगा दोगे, लिंग के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट है बच्चों, मनुष्य में वृषण बिंदी बिंदी स्थित होता है, तो आपको बताना है कि मनुष्य में वृषण कहाँ पर स्थित होता है, तो आप बताओगे कि सीसन के आधार से दाएं और बाएं में चिपका होता है,
ठीक है। अगला बच्चों, अनुवांशिक के जनक हैं तो आप बताओ कि अनुवांशिक के जनक कौन है। तो ये सभी को जानते होंगे कि अनुवांशिक के जनक ग्रिगर जॉन मेंडल जी हैं। नेक्स्ट है, गुणसूत्र बिंदी बिंदी के वाहक होते हैं तो आप बताओ कि गुणसूत्र जो किसके वाहक होते हैं, तो आप बताओगे अनुवांशिक के वाहक होते हैं। अगला बच्चों, बिंदी बिंदी ने मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक संकरण का प्रयोग किया तो किन्होंने किया था, आप बताओगे ग्रिगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, चलिए अब इसका उत्तर आप सभी को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा बंधकरण हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा लिंग हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा सीसन के आधार से दाएं बाएं में चिपके होते हैं, पांचवें में हो जाएगा ग्रिगर मेंडल हो जाएगा, छठवें में हो जाएगा अनुवांशिकता और सातवें में हो जाएगा ग्रिगर मेंडल। ठीक है बच्चे, प्यारे बच्चों चलिए इसके हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे, जहां पर आपसे बोला गया सही जोड़ी बना कल की, जहां पर दो पक्ष है खंड आ और खंड बा। तो चलिए हम यहाँ पर इसका मिलान करते हैं कि कौन से इसका सही उत्तर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम का हो जाएगा आपका बच्चों फोर्थ हो जाएगा 21वें गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र, ये हो जाएगा पहला, इसे नोट कर लेंगे। दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम का क्या होगा बच्चों आपको बताना, तो टर्नर सिंड्रोम का हो जाएगा बच्चों 21वें गुणसूत्र में गुणसूत्र का अभाव। ठीक है, तो आप इसे दूसरा टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया क्या होता है बच्चों, यह एक रक्त का विकार होता है, तो आप इसे इसका आंसर लगा दो, थर्ड ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फोर्थ में आता है एक्रोसोम, तो आप बताना है कि एक्रोसोम किसका होगा, तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओ बच्चों एक्रोसोम होता है गुणसूत्रों में ये होता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे प्यारे बच्चों, कोरोना रेडिएटा क्या होता है, तो आप बताओ कि कोरोना रेडिएटा क्या होता है, तो आप बताओगे कि जो कोरोना रेडिएटा होता है आपका ऑप्शन नंबर 6-7 हो जाएगा, पॉजिट्रॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, कार्पस लूटियम किसे कहते हैं, तो आप बताओ कि कार्पस लूटियम होता है ये अंड का विकार होता है। ठीक है ना, तो ये छठवां हो जाएगा बच्चों। अगला है प्रसाव, तो आप प्रसाव, प्रसाव को क्या कहेंगे, प्रसाव को आपको कहेंगे रिलैक्सेशन कहेंगे, रिलैक्सिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका 7 का उत्तर हो जाएगा। अगला बच्चों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे बोला गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला पूछा गया अनुवांशिक के जनक कौन है, तो आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूं और आंसर बता चलूंगा, फिर आपको आंसर ये नोट कर लेना है यहां से। ठीक है, तो आपको बताना है कि अनुवांशिक के जनक कौन थे, तो आप बताओगे अनुवांशिक के जनक जो हमारे थे ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन थे बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, अगला है GIFT का पूरा नाम लिखिए, तो आपको GIFT का पूरा नाम लिखना है जाइकोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, चलिए अगला है STD का नाम लिखिए जो संदूषित रक्त में संचारित होते हैं, तो आप लिखोगे बच्चों एड्स और हेपेटाइटिस सी, क्या लिखो बच्चों एड्स और हेपेटाइटिस सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 हो जाएगा, किसी इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाली मानव संख्या क्या कहलाती है, तो आप बताओ कि मानव संख्या क्या कहलाती है, तो आप इसे सिंपल से लिख सकते हो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ से आप नोट करेंगे जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, अगला बच्चों गुणसूत्र को कोशिका विभाजन के समय धागे के रूप में किसने देखा था, तो आप बताओगे गुणसूत्र को कोशिका विभाजन के समय धागे के रूप में हमारे जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा था। ठीक है बच्चों, अगला है जीवों में पाए जाने वाली विशिष्ट इकाई जो अगली पीढ़ी में गुणसूत्र को निर्धारित करती हो क्या कहलाती, तो आप बताओगे इसका जो उत्तर हो जाएगा जीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो लक्षण का क्रॉस कराया जाता है, तो आप लिखो बच्चों जिसमें दो लक्षणों का क्रॉस कराया जाता है, तो आप इसे लिख दोगे द्विसंकृत क्रॉस, क्या लिखोगे बच्चों द्विसंकृत क्रॉस। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक के वैकल्पिक क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद आते हैं आपके यहाँ से 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, तो पहले मैं आपको पूरे क्वेश्चंस को समझाऊंगा क्योंकि बाकी जितने भी सेट आपके आने वाले हैं सभी सेट में और सभी जिलों के क्वेश्चंस में आगे पीछे मिक्स रहता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर इसके बाद मैं इसको आंसर दे दूंगा और इसका क्वेश्चन पेपर का और आंसर शीट का दोनों का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। तो प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है AUG में कौन सा कोडान होता है, ठीक है AG में कोडान बताना है अथवा UAG में कोडान कौन सा होता है ये भी आपको बताना है, जो आपको सरल लगे आप उसका उत्तर दे सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला है प्रश्न क्रमांक 6 अपूर्ण प्रभाविता क्या है समझाइए, अथवे में सप्रभाविता को उदाहरण से समझाइए, मतलब आपको सप्रभाविता को उदाहरण से बताना है कि इसे क्या कहते हैं। अगला बच्चों प्रश्न क्रमांक 7
परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस को समझाइए। अच्छा, प्रभाविता के नियम को उदाहरण सही समझाइए। मतलब आपको पहले प्रभाविता के परिभाषा भी देना है, फिर उसके बाद आपको उसका उदाहरण भी यहाँ पर नोट करना होगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8, जनसंख्या विस्फोट क्या है, कारण लिखिए। तो यहाँ पर बताना है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं और उसका आपको कारण बताना है। इसके लिए आपको 2 नंबर आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। अथवा में क्या विद्यालयों में यौन शिक्षक आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। पता पूछ रहा है कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षक मतलब इसका ज्ञान देना आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों है, ये बताना आपको रीजन। ठीक है, चलिए। इसके बाद आपको पूछा जाता है प्रश्न क्रमांक 9 में कोलेस्ट्रॉम मतलब जिसे कहते हैं खीस क्या है, अथवा मानव शुक्राणु का नमाकी चित्र। यहाँ पर बच्चों आपको मानव के शुक्राणु का नमाकी चित्र बनाना है और उसके बारे में बताना है कि कहाँ पर कौन सा चीज होता है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 10, जिसे पूछा गया मानव में व्रसन उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है। तो आपको बताना है कि मानव में जो व्रसन होता है वह किस कारण से बाहर स्थित होता है। तो आपको पता होगा कि मानव की बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और व्रसन में आपको जो स्पर्म बनते हैं उसको बनने के लिए आपको मतलब सुरक्षित रहने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस कम मतलब 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो बाहर स्थित होते हैं। अच्छा, पूछा गया मनुष्य में कर्पस लूटियम का निर्धारण एवं कार्य, मतलब मनुष्य में कर्पस लूटियम का निर्माण कैसे होता है और इसका आपको यहाँ पर कार्य भी बताना है बच्चों। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 11, स्वपरागरण क्या है, स्वपरागरण के लाभ लिखिए, अथवा स्वपरागरण किसे कहते हैं, परपरागरण के लाभ लिखिए। मतलब बच्चों यहाँ पर आपको परपरागरण की परिभाषा बता देनी है और यहाँ पर आपको परपरागरण के लाभ भी बता देने हैं। अथवा स्वप्नबंधता क्या है, मतलब स्वप्न आना क्या है कहलाता है। अथवा में बहुभूर्ता क्या है आपको बताना है। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया है त्रिशल्यन से आप क्या समझते हैं, अथवा सेब एक आभासी फल है यह क्यों है समझाइए। तो मतलब सेब जो होता है इसे आभासी फल क्यों कहते हैं, इसको आपको कारण से बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पूछा गया बैकिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है समझाइए, अथवा एक प्ररूपी बीजाणु का नमाकी चित्र, मतलब आपको प्ररूपी बीजाणु का नमाकी चित्र यहाँ पर बनाकर बताना होगा बच्चों। ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ पूछा गया लघु बीजाणु धनी एवं गुरु बीजाणु धनी में क्या अंतर होता है, अथवा अंड जनन क्या है, इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, अथवा प्रसव क्या है, प्रसव की प्रक्रिया में शामिल होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। इसके बाद आता है बच्चे प्रश्न क्रमांक 17, यौन संचरित रोगों से बचाव के उपाय, आपको बता देना कि यौन संचरित रोग कौन कौन से होते हैं और इसके बचाव के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, अच्छे पूछा गया बच्चों एमनियोसेंटोसिस प्रक्रिया का नामांकित मतलब सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 में है जब एक वाहक वर्णता महिला का विवाह वर्णता पुरुष से होता है तो उनमें उत्पन्न संतानों में वर्णता रोग की वंशांगति समझाइए। मतलब एक ऐसी महिला जिसे आंख से नहीं दिखता कलर ब्लाइंडनेस है और पुरुष भी है, तो यदि उनमें शादी होती है तो उनमें जो संतान होगी तो उनमें कौन सा कलर ब्लाइंडनेस होगा, यह होगा तो कौन सा होगा, यदि नहीं हुआ तो नहीं होगा। अथवा 9:3:3:1 के अनुपात की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है बच्चों डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसके सत्यापन के लिए हर्ष लेंस एवं प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अथवे में अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए, मतलब बच्चों आपका अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाना है। तो बच्चों इस तरह मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए, अब इसके बाद आते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका जो आंसर बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड वहां से कर लेना है। इसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलने वाला है। और यदि आप चाहते हैं कि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, आपको इसका लिखित रूप में आंसर चाहिए, तो हम अपने वीडियो के पार्ट टू पे इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू अपलोड करने वाले हैं, जहां पर हम इसका बच्चों पूरा का पूरा आंसर मतलब यहां पर हम उस वीडियो में पूरा इसका आंसर भी यहां साइड में स्क्रीन पे यहां पर साइड में हम आपको दिखा देंगे पूरा आंसर। ठीक है, तो आप उस तरह वहां से नोट कर लीजिएगा। तो आई होप बच्चों आज की वीडियो आप सभी पसंद आई होगी। यदि आप पेपर से तैयारी कर लेते हैं तो 70 तो आपका बन ही जाएगा, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आपने बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखा होगा।
तो बच्चों आने वाली समस्त वीडियो की इसी प्रकार से यदि पेपर चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको रहते पर आपको पहले अपडेट मिलता रहे। और बच्चों आपको करना क्या है, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, सभी स्टूडेंट्स को 5-5 शेयर जरूर करनी है ताकि आपके सभी दोस्तों की मदद हो सके। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।